Hello everyone. Welcome to the PAC Info channel. Viewers, how the ASAWS program is helping the people in Pakistan. Before we get started, make sure to like and share this video. Smash the subscribe button and click the notification bell. Viewers, how the ASAWS program is helping the people in Pakistan. Recently, poor peoples of Islamabad got their free of cost stall in Islamabad. Just listen to how they are feeling now. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी G11 इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ पे चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आए और इन रेड़ी बानों से उन्होंने बातचीत की और इसका विज़िट किया। ये जो रेड़ी बान यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसको एहसास प्रोग्राम के तहत यहाँ पर जगह दी गई। 87 जो है यहाँ पर इस तरह की रेड़ियाँ लगेंगी, लेकिन पहले मरहले में 25 लोगों को यहाँ पे इजाज़त दी गई। और साथ ही ना सिर्फ ये कि इनका कोई किराया नहीं है, बल्कि जो CDA का टैक्स होगा वो ये जमा कराएंगे, और इसके ऊपर सोलर भी लगा के दिया ताकि इनको रात के वक्त भी काम करने में कोई परेशानी ना हो। ये जगह मिलने से पहले ये रेड़ी बांध मुख्तलिफ़ जगहों पे फट्टे लगाते, मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड़ी खड़ी करते, किराए देते, मुश्किलात का सामना करते, CDN का सामान उठाती, पुलिस इनको तंग करती थी। अब ये रेड़ी बांध क्या कहते हैं जब इनको परमानेंट एक जगह मिल गई जहाँ पे ये अपना ठिया लगा के अपना कारोबार कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और उनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। आइए नाज़रीन, ये एक ऐसा मज़दूर जो शर्टें, ये बैग्स, अगर ये स्टाल किसी मार्केट में लगाए, किसी फट्टे पे लगाए, तो इसको 30-40 हज़ार रुपया देना पड़ता था। इसके अलावा ख़तरा भी था, जगह जगह पे प्रॉब्लम होता था, मुख्तलिफ़ इदारे थे, CDA था, इन्वायरमेंट वाले थे, पुलिस वाले थे, लेकिन अब इसको तहफ़ हो गया और यहाँ पे जो इस स्टॉल को चलाते हैं उन्हीं से थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे आपका ये बिजनेस हो गया, आपको ये स्टॉल मिल गया। जी जी। लेकिन अभी ये स्टॉल मेरा ख्याल है उन 25 स्टॉल के अलावा है जिसमें अभी उनकी नॉमिनेशन होनी है, 87 स्टॉल। तो कैसा, आप जब ये स्टॉल आपका अपना लग गया, वो डर खौफ वो ख़त्म हो गया, तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि एक तहफ़ मिल गया, एक अपनी जगह मिल गई, एक अपनी प्रॉपर्टी बन गई इधर इस्लामाबाद में। उधर ये था कि जी उधर गैर कानूनी भी बैठे हुए थे, कोई CDA वाले हैं वो आते थे तो उठाना पड़ता था, सामान होता था, फिर दुकानदारों की तंगी थी इस वजह से। लेकिन अब यहाँ आ गए इधर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि एक अपना सेटअप है, सुकून है। बाकी ये कि अभी पहले मरहले में 25 लोगों को मिले हैं, अगले नेक्स्ट जो हैं उनमें ये जो ग्रीन वाले हैं ये अलॉटेड हैं जी। आपका प्रोसेस में? हाँ जी, हमारा नाम है, नाम है हमारा। अच्छा, कैसे आ गया ये प्रोसेस, कैसे हुआ था? प्रोसेस ये इस तरह हुआ सर कि ये इन्होंने पहले एहसास प्रोग्राम के तहत 2-3 महीने से सर्वे कर रहे थे, ये वो जो है उनकी टीम आ रही थी, वो डेटा कलेक्ट करके लेके जा रही थी सबका, ना ID कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, डेटाबेस सारा लेके गए हैं उन्होंने। फिर उस पर वर्किंग करके हमें फिर 2 महीने बाद बताया कि हाँ जी ये हो गया और आपको इस तरह स्टॉल मिलेंगे। नाज़रीन, ये एक गारमेंट्स का स्टॉल है जिसमें खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, मेल के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, जो आम दुकान पर जाएँ तो वो खासी महंगी आपको मिलती हैं। नाज़रीन, ये स्टॉल जो है और दीगर स्टॉल जो हैं, जिस तरह मैं बता रहा था कि 87 कुल स्टॉल हैं जिनमें से 25 अलाट हो गए और उसमें सोलर भी फिक्स हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, और ये स्टॉल हो गए एहसास की तरफ से। एहसास जो है बेसिकली ये हुकूमत पाकिस्तान का वो प्रोग्राम है जिसमें आप देखते हैं कि भूखे को खाना खिलाया जाता है, अपना गाय हैं, फिर सेहत कार्ड को आप अगर देखें, फिर उसी के साथ साथ दीगर चीज़ों को देखें। जाहिर जावे सब ये स्टॉल आपके नाम पे है, आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 5-6 साल से इधर काम कर रहा हूँ जी। तो गवर्नमेंट की ये मेहरबानी है, उनके हम मशकूर हैं जिन्होंने हमें ये स्टॉल बना के दिया है। पहले हम इधर बहुत तंग होते थे, वो कभी CDA वाले आ जाते थे माल उठा के ले जाते थे, कभी कोई और आ जाता था वो हमें तंग करता था।
ये अब हमें ये पूरा तहफ़ मिल गया है, हम अब इधर खुश हैं। ये बताएं कि इससे पहले जब आप करते थे काम तो ये करते थे, किसी दुकान के आगे फट्टा लगाते थे, उसका फिर क्या आप किराया देते थे, क्या करते? वो जिधर हम ये लगाते थे ना, वो दुकानों वाले हमसे वो किराया लेते थे, वो तकरीबन को 15,000 लेता था, को 20,000 लेता है, वो हमें वो देना पड़ता था मजबूरन। अब इधर हम फ्री बैठे हुए हैं, अब हमें टेंशन कोई नहीं किसी चीज़ की, पैसे नहीं देने पड़ते। ये हुकूमत ने जो की हमारे लिए बहुत बेहतर की है, अच्छा कदम। अच्छा, ये किस तरह अलाट हो गया आपको, ये तरीका कार क्या था, कुछ सिफारिश थी? नहीं, सिफारिश कोई नहीं थी, ये जो थे ये सास वाले या कोई और थे, वो हमारे पास आते थे, वो हमें वो पूछते थे आके हर चीज़ जो भी है। 3-4 महीने उन्होंने रिसर्च की, जो हम बाकायदगी से उधर बैठे हुए थे ना, उन लोगों को उन्होंने दिया है। इसकी में इसमें ना कोई सिफारिश थी ना कोई और किसी थी, मेरिट पे उन्होंने जो भी किए मेरिट पे काम हुआ है। जी नाजरीन, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आम मार्केट में जाएं तो वहाँ पे आपको खिलौने या इस टाइप के जितने भी टाय हैं वो महंगे भी मिलेंगे, और उसमें यहाँ पे अब एक ऐसा स्टॉल जो फ्री में है तो यकीनन चीज़ें सस्ती होगी। अच्छा जी, आप क्या लेने आए हैं यहाँ पे? बस अस्सलाम वालेकुम, बच्चों के लिए थोड़ी सी ये खिलौने वगैरह, क्योंकि ईद का मौका, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईद पे बच्चों के लिए ये खिलौने वगैरह होने चाहिए। और मैं इधर जिलावन मरकज में से आया हूँ, एक जगह पे जॉब करता हूँ, और मैं यहाँ से खिलौने वगैरह खरीद। अच्छा, खिलौने पता किए मार्केट से, इनका रेट कुछ कम लगा? जी, इन मार्केट के लिहाज से इसका रेट भी थोड़ा सा कम है, और इसमें परचेजिंग से भी कोई मसला नहीं बन रहा, इसको खरीदने में भी कोई मसला नहीं बन रहा, हम बआसानी इसको खरीद सकते हैं। अच्छा, तो खरीदा तो नहीं है अभी तक आप? नहीं, खरीदा नहीं, अभी देख रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं खिलौने थोड़े से खरीद के जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, आप मेरी एक दो बातों का दें, ये स्टॉल आपको इलाट हो गया? अच्छा है? हाँ जी, अच्छा। तो कैसे इलाट हो गया, पहले कहाँ पे करते थे? पहले हम ये पीछे बैक साइड पे होते थे। तो किस तरह किराया देते थे, कब से ये काम कर रहे हो, अब ये स्टॉल इलाट हो गया है, तो इससे क्या बेहतर हो गया? सर जी, उधर पीछे 5-6 साल हो गए थे, किराया भी दे रहे थे, उसके अलावा क्या नाम है, उधर थोड़ा मसला भी था, सीढ़िया वाले भी तंग करते थे। इधर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपने इधर कोई मसला नहीं है, और हम इधर सुकून से बैठ के कमा सकते हैं, थोड़ा कमा सकते हैं लेकिन सुकून से कमा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये जो इस तरह की मूवमेंट है इदारों की तरफ से, सरकार की तरफ से, आप उसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक लीगली तौर पर एक ये कदम उठाया CDA और एहसास प्रोग्राम के वेंचर से, और ये बहुत अच्छा इकदम है। मैं ये कहूँगा कि इसको, ये सिर्फ इस टाइम G11 इस्लामाबाद में हुआ है, पूरे इस्लामाबाद में इसको इसको हर जगह जहाँ जहाँ सरकारी जगह मौजूद है वहाँ पे इसको फैलाया जाए। लोग वैसे भी पूरे इस्लामाबाद में इलीगली बैठे हुए हैं, जिनसे CDA वाले मुख्तलिफ मुलाजमीन कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आके पहली तारीखों को लेते हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट लीगली तौर पे इनको करे और पैसा गवर्नमेंट को जाए और गवर्नमेंट इससे फायदा उठाए, और ये लोग भी तसल्ली से बैठे, गवर्नमेंट को भी पैसा दे नहीं होता था। अभी बकाया जो 87-88 के करीब है वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जाए, लोग वैसे भी पूरे इस्लामाबाद में इलीगली बैठे हुए हैं, जिनसे CDA वाले मुख्तलिफ मुलाजमीन कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आके पहली तारीखों को लेते हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट लीगली तौर पे इनको करे और पैसा गवर्नमेंट को जाए और गवर्नमेंट इससे फायदा उठाए, और ये लोग भी तसल्ली से बैठे, गवर्नमेंट को भी पैसा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, हम ये कहना चाहते हैं, उन्होंने ये देखने के लिए कि आया जो, क्योंकि ये 25 जो केबल्स आए हुए हैं ये सिर्फ उन लोगों को दिए गए हैं जो पहले फेज में रजिस्टर्ड थे। अभी बकाया जो 87-88 के करीब है वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई सिफारिश, कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल टूली मिनट के ऊपर है, जिसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करा गया है, जिसका नाम और सारा कुछ मतलब क्लियर कर चुके हैं हम लोग। नाजरीन, जब भी आप देखें कहीं पे भी आप जाएं, आम दिन हो या फिर रमज़ान शरीफ का, समोसा, पकौड़ा, चटनी, चटपटे, ये इंसान की बड़ी ज़रूरत है, बड़ी कशिश रखते हैं। ये स्टॉल आपको सरकार की तरफ से, एहसास की तरफ से इलाट होगा, कितनी खुशी है तुम्हें? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे वहाँ पे हम किराए भी देते थे, और उसके अलावा CDA वगैरह सामान उठा के ले जाती थी। हमारा स्टॉल जब भी बंद होता था हमने किराए की कोई छूट नहीं होती थी, हमें किराया देना ही होता था। तो यहाँ पे आ गए, एक महीना होने वाला है हमें, और बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, और हम इस वज़ीर-ए-आज़म का दिल से शुक्रगुजार हैं।
अच्छा यार मुझे ये बताओ कि ये स्टाल थोड़े से अलाट हुए हैं, 87-85 होने थे, अभी तक 25 हुए हैं, तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे अलाट हो गया? कोई दरख्वास्त दी थी कि ये लोग खुद सर्वे करते हैं? सर इन लोगों ने सर्वे किया था 85 लोगों का ना, तो उसमें इन्होंने, इनके पास टाइम कम था, इन्होंने कुछ कुरंदाजी की है, उसमें 25 लोगों का नाम आया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं और हमें सबसे पहली बात है कि बिल्कुल फ्री दिया गया है ना। न्याज एक स्टाल हो गया, मेरिट पे हो गया, आपने कुछ सिफारिश कराई या कोई फीस दी थी या बस? नहीं नहीं कोई सिफारिश वगैरह तो नहीं हुई, ये आए थे विजिट करने ना, जो पुराने बैठे हुए थे मरकज में, आके नाम शाम और सब कुछ शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिख के गए थे, उसके बाद फिर एक दो बार मीटिंग हुई थी डीसी ऑफिस में, उसके बाद ये जाके मिले, इसमें कोई सिफारिश चल ही नहीं सकती। नाजरीन आज आप मार्केट में किसी वक्त भी जाएं, ईद का मौका है, हर जगह पे खरीदारी के लिए इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है। हम अब आ गए स्टॉल पे जो फरमानुल्लाह के नाम पे है, ये भी की तरफ से इनको अलाट हुआ। फरमानुल्लाह कौन है? ये फरमानुल्लाह मेरा बेटा है, बड़ा अच्छा। माशाल्लाह इधर ही वो होते, आज जो है ना उसको तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। अच्छा, आप भी उनके साथ मिल के काम कर? जी मिल के काम करते अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खुश है, इधर काम कर रहे सही। तो इन टीओ की मिलने से जो है ना हमें बहुत सहूलत मिला, सहूलत ये मिला कि उधर जो है ना 10,000 रुपये जो है ना किराया देता था, और उधर कोई जो है ना रेड़ी का हिफाजत का कोई सामान नहीं था, तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम रेड़ी बांध के ये जो दरवाजे है ना इसका ये बंद करते और इधर ही खड़ा करते रात को, कोई हमें परवाह नहीं है, इधर ही वो होते। हाँ आपको जो फायदा हो गया 20-25 हज़ार का या 30 हज़ार का, वो आम आदमी को भी आप फायदा दे रहे हैं, चीजें सस्ती की हैं? हाँ क्यों नहीं देगा, इंशाल्लाह इनके इन लोगों के साथ हम पूरा ताउन करेंगे। नाजरीन ये स्टॉल जो है यहाँ पे आइसक्रीम और ये दूसरी चीजें इसी से मुतल्लिका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये स्टॉल आपको अलॉट हो गया? अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। हम 2021 से 21 साल हो गया था हमारा उधर, हम सामने मरकज में काम करता रहता, किराया वगैरह देता था 30-30 हज़ार रुपये किराया देता था, और इधर अल्लाह का शुक्र है जो बहुत सुकून है। और दूसरी बात है, और उस दिन अच्छा 20 साल हो गए, 20 साल पहले आप इस तरह स्टॉल लगाते थे, तो 20 सालों में क्या कमाया? घर शर बनाया? नहीं घर शर नहीं बनाया, और लेकिन इंशाल्लाह अभी उम्मीद है जो बना देगा। अच्छा अभी उम्मीद हो गया, पहले क्यों नहीं बना सका? पहले ये था ना, पहले हम टोटल बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपए निकल जाता था वो खर्चे के लिए, घर के लिए सिस्टम नहीं चल सकता था। और दूसरी बात है ये है, जितना भी निकल जाता था ना तो वो आगे दुकानदार को किराया 30-30 हज़ार दे देता था, तो इस बात में नहीं निकल सकता। और अभी उम्मीद इसलिए जाग गया था ना, अभी ये खान साहब लोगों ने ये स्टॉल वगैरह दे दिया था ना। अच्छा कुर्बान जी ये मुझे बताओ कि ये अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये सर जी चिकन कचौरी तैयार कर रहे हैं। अच्छा कितने अरसे से काम करते हैं? सर ये तकरीबन, जरा मुझे तफसील से बताओ कितने अरसे से कर रहे हैं, पहले कहाँ पे थे, कितना किराया देते थे, अब क्या फर्क पड़ा? सर जी ये इस काम को मुझे हो गए तकरीबन 15 साल करते हुए, मैं पढ़ाई मैंने नहीं की, मैं इसी काम में मजदूरी करता रहा, हालात डाउन थे ना नॉर्मल से, और 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ सर, और कराची में भी करता रहा हूँ, यहाँ करता रहा हूँ इस्लामाबाद पिंडी में भी, और फिर यहाँ पे जी लेमन मरकज़ में हो गया सर हमें तकरीबन 10 साल। हम ऊपर स्टॉल लगाते थे दुकान के आगे, जिस दुकान के आगे स्टॉल लगाते थे वो हमसे किराया लेते थे। कितना किराया था? तकरीबन 15 से 18 हज़ार किराया देते थे वहाँ पे आगे लगाने का। वो वहाँ पे हमें परेशानी भी होती थी, काम नहीं है, है तो मुश्किल होती थी हमें। जिसे इसके अलावा इदारे भी थे ना, सीडीए दूसरे? जी सीडीए वाले भी सर होते थे, लेकिन वो किराया सामान परेशानी होती थी हमें, दुकान वाले जो हमारी सपोर्ट नहीं करते थे, सीडीए वाले आते थे सामान उठाते थे, फिर हमें परेशानी बनती थी, सामान उठाने की मुश्किल होती थी हमें। अभी तो आपका ये स्टॉल फ्री में हो गया, हुकूमत की तरफ से हो गया, तो वो किराया भी आप पे नहीं है, वो दुकानदार जो मार्केट में बैठे उसका बिजली का बिल है, उसके और मसले मसाइल हैं, टैक्स है। जी पहले हम पीछे बैठे थे, वहाँ पे हर चीज़ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम 5-10 रुपये हर चीज़ के साथ रख के सेल करते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें खुद भी मुनासिब नहीं लगता, दूसरा रमज़ान है तो हमें अच्छी बात है। ये नाजरीन इसी तरीके से हम स्टॉल देखते जाएंगे, ये अकबर अली का स्टॉल है और अकबर अली भी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो जलेबी भी बन रही है भाई, जलेबी ये स्टॉल आप लोगों का है? जी सर। अच्छा
कोई फर्क पड़ा जो पहले फट्टे पे लगाते थे अब कैसा है? बहुत फर्क पड़ा ये मैं। क्या फर्क पड़ा? वहाँ पे सीडीए का मसला होता था क्योंकि जगह गैर कानून नहीं थी, वहाँ पे हम लगाते थे तो सीडीए वाले सामान उठा के ले जाते थे, दुकान वालों को हम किराया भी देते थे और फिर भी परेशान भी रहते थे। यहाँ पे हमें ये स्टॉल मिले, यहाँ पे हमारी परेशानी खत्म हो गई है। हम तो फिर जलेबी समोसा पकौड़ा सस्ता भी किया है? बिल्कुल सस्ता किया वहाँ, रेट है वहाँ पे हम समोसा दे रहे थे 25 रुपए का, यहाँ पे दे रहे हैं 20 रुपए का। वहाँ पे 300 रुपए दर्जन थी, यहाँ पे हम दे रहे हैं 240 रुपए दर्जन। और जलेबी दे रहे थे 320 रुपए किलो। अब आप लोगों के पास अपना स्टॉल हो गया, पहले किसी के स्टॉल पे फट्टे पे काम कर, फर्क पड़ा? बचत हो गई महीने की? जी जी हो रही है। क्या हो गई जी? काम तो हो गया मगर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, एकदम तो नहीं, अभी तो नहीं है। जब जिस तरह आम को पता चलेगा उस तरह काम भी सही हो जाएगा। अभी कस्टमर को पता नहीं है कि जगह चेंज हो गई है। जगह चेंज हो गई वो तो कस्टमर आ जाएगा, लेकिन आपको किराया का रियायत हो गई, आपको बिजली फ्री में मिल गई, अच्छा है। ये मंसूबा कैसा है वजीर आजम का, हुकूमत का, इस हवाले से क्या? जी बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। अच्छा जी, आप इधर से कोई खरीदारी करने आए, फर्क नजर आता है ये कि इस मंसूबे को आप कैसे देखते हैं? मंसूबा ये बेहतरीन है, खुसूसन रेडीबान जो इधर किराया भी बहुत दे रहे थे और हमें भी बहुत जहमत थी, यहाँ पे पैदल चलना काफी मुश्किल हो गया था, फिर रोज इनके लिए भी मुसीबतें थी, सीढ़ी वाले आके गिराना ले जाना, फिर दूसरे दिन वही हाल। लेकिन इस हिसाब से तो इमरान खान साहब यहाँ खुद भी होके गए, ये मैं कहता हूँ कि गरीबों के लिए एक बेस्ट मंसूबा है कि ये अपना रोजगार भी कमा लेंगे और इज्जत के साथ किसी डर और फिक्र के बगैर कि अब सीडीए वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा। अच्छा जी, ये आपका स्टॉल है, आपको स्टॉल मिल गया, क्या कहते हैं, अच्छा हो गया? सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, पहले सीडिया वाले भी बहुत ज्यादा तंग करते थे, सामान भी लेके जाते थे। तो अब आम आदमी को सस्ता सौदा बेचेगा ना? सस्ता तो हम बेचते हैं, लेकिन हमको अगर मंडी से सस्ता मिले तो इधर हम सस्ता बेचते हैं। जो बचत हो गया आपका 25-30 हजार का बचत हो गया ना, अभी आपका बिजली फ्री हो गया, जगह फ्री हो गया। शफी रहमान आपका नाम है ना? तो ये शफी रहमान, आम आदमी को भी फायदा मिले ना? नहीं वो सही है, हम तो सस्ता रेट पे देते हैं बाकी मार्केट से, लेकिन अगर हमको पीछे से महंगा मिले तो इधर हम तो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो स्टॉल आपको मिला, आपने कोई किस तरह सर्वे के जरिए मिल गया? हाँ ये सर्वे के जरिए हमें मिल गया, पहले जो उधर स्टॉल लगते थे तो उसका सर्वे किया था, तो उस लोगों को मिली है ये। खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? खान साहब ने तो गरीबों के साथ ये बहुत अच्छा किया, इमरान खान। हाँ इमरान खान और उसकी हुकूमत के लोग, हुकूमत के लोग भी अच्छे हैं। नाज़रीन यही बात को आगे हम लेके चलेंगे कि मैंने मुख्तलिफ स्टॉल होल्डर से बात की, यकीनन वो खुश होंगे कि आम आदमी जो इससे पहले सीडीए के खौफ में था, पुलिस के खौफ में था, इदारों के खौफ में था, अब उसका वो किराया भी ख़त्म हो गया, उसके बिजली के बिल भी ख़त्म हो गए, ये सब कुछ उसको मिला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है वो यही है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बदला जाए, गरीब की ज़िंदगी को बदला जाए, और यही रियासत मदीना में हुआ था। बराबरी के हकूक़ की बात की गई थी, ये जो चाइना का मॉडल दिया जाता है वहाँ पे भी गुर्बत से आम आदमी को उठाया और उसकी ज़िंदगी को आसान किया। अगर इसी चीज़ को अगर आप पाकिस्तान में देखें और आज की हुकूमत में देखें कि मुश्किलात तो बहुत हैं, ज़रूर मुश्किलात हैं, महंगाई का अंसर भी है, लेकिन आप देखेंगे हेल्थ कार्ड के लिए, आप देखेंगे कि गरीब के लिए पनाहगाह है, आप देखेंगे कि गरीब के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया और इन रेडीबानों के लिए ये खूबसूरत प्रोजेक्ट दिया गया। आने वाले वक्त में यकीनन वो तबकात जो अभी तक गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उन्हें रोज़गार मिले और उसी के साथ साथ आम आदमी की ज़िंदगी में भी सहूलत आए, करप्शन का खात्मा हो, तो यकीनन वो ख्वाब हकीकत बन सकता है जिसके लिए इमरान खान ने मेहनत की। और यकीनन आने वाला वक्त जो है वो इसी हकीकत को सामने लाएगा। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को जी 11 इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।